दतिया स्थित मेडिकल कॉलेज को मिले नए डीन। पदभार संभालते ही मेडिकल कॉलेज दतिया की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे नवागढ़ डीन। जी हां, गुरुवार दतिया मेडिकल कॉलेज के लिए खास एवं महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ग्वालियर के प्रसिद्ध चिकित्सा प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश उदेनिया गज राजा मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी के विभागाध्यक्ष के द्वारा मेडिकल कॉलेज दतिया के नवीन अधिष्ठाता के रूप में पदभार संभाला। इस दौरान डॉक्टर उदेनिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मेडिकल कॉलेज दतिया में 750 बिस्तरों का नवीन अलग से अस्पताल खोलना है एवं चिकित्सकों की कमी को पूरा करना है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात महाविद्यालय नवीन ओपीडी एवं कोविड वार्ड का भी मुआयना किया। चिकित्सा के क्षेत्र में दतिया में न्यूरोलॉजी सोर स्पेशलिस्ट ओपीडी चालू करवाने की बात कही। इस दौरान सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर श्वेता यादव, डॉक्टर सचिन यादव, डॉक्टर प्रवीण टेगो एवं डॉक्टर हेमंत जैन, डॉक्टर कमल कछावा इत्यादि उपस्थित रहे। मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं वो भी उनका सहयोग मेरे को बहुत अच्छा मिला। आज व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा है। अब अभी तो पॉजिटिव चीज़ें ही मेरे को देखने को मिली हैं। नेगेटिव चीज़ें अगर जो भी सामने हैं मेरे को, सबसे बड़ी कि हमारा मेडिकल कॉलेज का एक अस्पताल खुद का होना चाहिए। वो शायद ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है 750 बेड का, राइस बोर्ड साहब भी करके गए हैं। वो 750 बेड का अस्पताल का मेरा उद्देश्य सबसे पहले होगा कि मैं शासन के सामने रखूँ, मंत्री जी के सामने रखूँ और 750 बेड का अपना खुद का अस्पताल मेडिकल कॉलेज का खोलूँ। ये मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। सर, कोविड की जो तीसरी लहर को लेकर वैसे तो सारी तैयारियां मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई हैं, लेकिन इसके बारे में और कुछ क्या कहना है सर आपका, क्या गतिविधि रहेंगी आपकी? नहीं, अभी तो सिर्फ आशंका है, अपना जीरो रिपोर्टिंग हो रहा है। बाकी भविष्य की तैयारी की जो योजना बनी हुई है वो उस पर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे भी हमें निर्देश दिए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट के लिए और डॉक्टर के लिए आपका क्या संदेश है? स्टूडेंट्स हमारे अभी आके मिले हैं, उन्होंने एक दो चीज़ें बोली, हमने उनको तत्काल स्वीकार कर लिया और उन्होंने लाइब्रेरी की कुछ चीज़ें बताई थी, वो हमने टाइम बढ़ा दिया है उनका लाइब्रेरी में बैठने का। दूसरा, मैंने अभी स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए उनको बोला है, उसमें डॉक्टर आशीष मौर्या को तत्काल निर्देश दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाए। और आपके जो सहयोगी डॉक्टर हैं इनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मेरे को बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है मेरी टीम ने और ये सब मेरे परिवार के हिस्से हैं। छोटा परिवार है, इसको बड़ा परिवार करना है, बस। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।